को इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं 3 रविवार को यहाँ पे नहीं था, तो उससे पहले जो कथा हुई थी कृष्ण जन्म की कथा हुई थी, शायद माता जी आप थी अकेले ना, और आप थी ना कृष्ण जन्म की कथा में, और कोई नहीं थे, आप थे माता जी नहीं थे, तो शायद आप लोग के लिए थोड़ा नया लगे। मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ आप लोगों को पिछले सत्र की कथा को। पिछले सत्र में हम सबों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ, किस प्रकार से देवी देवता मिलकर भगवान की स्तुति किए और भगवान प्रकट हुए, उन्हें वचन दिया कि मैं जल्द ही इस पृथ्वी पर आकर इस पृथ्वी के भार को दूर करूँगा। तो भगवान देवकी और वसुदेव के हृदय गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल आ गए हैं, गोकुल लाए और यशोदा के पास कृष्ण को रखकर उनके पास जो कन्या थी उन्हें लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन गोकुल में नंद बाबा जगे हैं और यशोदा ने जग कर देखा कि एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। सुखदेव गोस्वामी दशम अध्याय के 5वें अध्याय में लिखते हैं, नंद तु आत्मज उत्पन्ने जाता आहृद महामना आहुय विप्रण वेद ज्ञान स्नात शुचि अलंकृता। नंद तु आत्मज उत्पन्ने, सुखदेव जी कहते हैं नंद के आत्मज का जन्म हुआ है, नंद के बेटे का जन्म हुआ है। इस एक शब्द के सुखदेव गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बड़े तत्व का निरूपण कर दिया। हमारे मन में ऐसी शंका होती है कि वसुदेव जी के पास जो कृष्ण थे, जो बालक था, वह नंद का नहीं, वह यशोदा का नहीं, वह वसुदेव जी का पुत्र था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तत्व का निरूपण करते हुए सुखदेव जी गोस्वामी एक श्लोक में ही कहते हैं, ये नंद का आत्मज है, ये नंद का पुत्र है। नंद तु आत्मज उत्पन्ने, क्योंकि जिस समय यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ था, दो संतान का जन्म हुआ था, एक थी कन्या और एक थे पुत्र। योग माया के कारण वसुदेव जी को कन्या का दर्शन हुआ, पुत्र का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए वसुदेव जी कन्या को लेकर चले गए। इसलिए यशोदा के पास अब दो पुत्र हो गए, और जैसे ही दो पुत्र एक स्थान पर आए, दोनों पुत्र जुड़ गए, आपस में मिल गए, एक हो गए। अभी ये दो पुत्र कौन हैं? देवकी के गर्भ से जिस बालक का प्राकट्य हुआ वो थे विष्णु भगवान, जिनकी प्रतिज्ञा है संभवामि युगे युगे, जो कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रत्येक युग में इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ और साधु संतों को आनंद देता हूँ। तो भक्तों, उस समय युगावतार का समय हो चुका था। प्रत्येक युग में जो भगवान आते हैं, उस भगवान विष्णु का आने का समय हो गया था। भगवान विष्णु कंस के कारागार में आए, देवकी के गर्भ से जन्म लिए, और साथ ही साथ ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक बार ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है उसमें जो भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है, एक दिन कितना बड़ा होता है? कहते हैं कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, जब एक बार ये मिलते हैं तब एक चतुर्युग बनता है, और जब ऐसे युग 71 बार ख़त्म होते हैं, 71 टाइम जब ये चारों युग बीत जाते हैं, तब एक मन्वंतर की अवधि समाप्त होती है, और ऐसे जब 14 मन्वंतर बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं, और उस एक दिन में भी कब आते हैं? 14 मन्वंतर के 7वें मन्वंतर में 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में आते हैं। तो 71 गुना 14 कर दीजिए तो 994 चतुर्युग जब बिकता है, 994 बार जब ये कलि युग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग खत्म होता है,
तब भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर एक बार आते हैं। तो भगवान विष्णु अवतरित हुए मथुरा में और भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए गोकुल में। ये बात आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलेगी, टीवी सीरियल में या अन्य कथाओं में आपको श्रवण करने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा गूढ़ रहस्य है भगवान का। तो भगवान विष्णु अवतरित हुए कहाँ पे? मथुरा में। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ पे अवतरित हुए? गोकुल में अवतरित हुए। और उस विष्णु तत्व को वसुदेव जी गोकुल में लाकर रख दिए। और जब दोनों भगवान विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व एक साथ हो गए तो दोनों मिल गए। अब आप कहेंगे प्रमाण, ग्रंथ के अनुसार श्रीमद् भागवतम और जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया गोपाल चंपू में, कवि कर्णपुर के द्वारा लिखा गया आनंद वृंदावन धाम चंपू में। और भागवत की लीला के अनुसार प्रमाण तो आगे चलकर जब अक्रूर जी आते हैं, कंस जी ने भेजा कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। तो जब अक्रूर जी आए और कृष्ण और बलराम को रथ पर बिठाकर लेके जा रहे थे, उस समय संध्या का समय हुआ। अक्रूर जी को गायत्री करनी थी। गायत्री करने के लिए अक्रूर जी यमुना के तट पर रुके। यमुना में स्नान करने गए, कृष्ण ने कहा कि हम भी स्नान करेंगे। अक्रूर जी और कृष्ण दोनों यमुना में उतरे स्नान करने के लिए। दोनों स्नान कर रहे थे, अक्रूर जी ने कहा मुझे गायत्री करना है, मैं बाहर जाकर गायत्री करता हूँ, आप स्नान करो। अक्रूर जी जैसे यमुना से जैसे ही बाहर निकले तो और रथ के पास आए तो देखे कि कृष्ण रथ पर बैठे हुए हैं। बोले अभी तो कृष्ण मेरे साथ स्नान कर रहे थे। फिर अक्रूर जी यमुना में गए, बोले अरे यहाँ भी कृष्ण स्नान कर रहे हैं। फिर बाहर आके देखते हैं रथ पे, यहाँ भी कृष्ण बैठे हैं। फिर ऐसे ऐसे करते करते तो देखते हैं रथ पे भी कृष्ण, यमुना में भी कृष्ण। बोले यार मेरा माथा पागल हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सब कुछ भूल गए और वे चले गए। लेकिन सत्य बात यह है भक्तों कि जो जन्म के समय दो कृष्ण, कृष्ण और विष्णु एक हो गए थे, जब अक्रूर जी लेने के लिए आए तो जो मथुरा से विष्णु तत्व कृष्ण आए थे वो अक्रूर जी के साथ चले गए, और जो कृष्ण तत्व कृष्ण थे वो वहीं वृंदावन में रुक गए। और इसीलिए शास्त्र में भी कहा गया है वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं रखते। और जूनागढ़ के नरसिंह मेहता भी ने कह दिया ना, हे मारू वन रावण छे रूढ़ू वे कुंठ नहीं रे आओ, हे मारू रूढ़ू छे वन रावण वे कुंठ नहीं रे आओ, हे नहीं आओ नंद जिया लाल रे वैकुंठ नहीं रे आओ, हे मारो वन रावण छे रूढ़ू वैकुंठ नहीं रे आओ। इस भागवत और गीता का सार को नरसिंह मेहता एक छोटे से भजन में बड़ी सरलता से पेश कर दिए। कहते मन मारू वन रावण छे रूढ़ू वैकुंठ नहीं रे आओ। उस वृंदावन के कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है कि वृंदावन छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मथुरा भी नहीं जाऊंगा, द्वारिका भी नहीं जाऊंगा, वैकुंठ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो वृंदावन ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं नंद तू आत्मज उत्पन्ने। नंद बाबा ने देखा कि घर में बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है और ये अद्भुत बालक विष्णु तत्व कृष्ण तत्व दोनों एक साथ जुड़ गए थे। शास्त्र का सिद्धांत है भक्तों, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण का एकमात्र स्वभाव है प्रेम करना। प्रेम करने के अलावे कृष्ण और कुछ नहीं जानते। आज तक प्रेम के अलावा कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया, किसी को नहीं मारे, किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा, ऐसा शास्त्र में सिद्धांत है। तो मानो प्रश्न में मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई अकासुर को, पुतना को, बकासुर को, त्रिणाव्रत को किसने मारा, कृष्ण नहीं मारा? तो कृष्ण ने नहीं मारा, वो जो मथुरा से आए थे ना विष्णु तत्व कृष्ण, विष्णु ने उन राक्षसों को मारा। कृष्ण तो मात्र प्रेम करना जानते हैं, उनका स्वभाव मात्र और मात्र प्रेम करना ही है, वो प्रेम के भूखे हैं। और शास्त्र में भी लिखा हुआ है भक्तों कि जो कृष्ण गोकुल में नंद बाबा के पास थे ना वो हम सबके पास है, सब जगह पर है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सभी जगह पर है, लेकिन उस हरि को यदि प्रकट करना है तो शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेम ते प्रकट वही में जाना। उस हरि को यदि प्रकट करना है तो उससे प्रेम करना होगा। बड़े बड़े संत महात्मा गण अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर रात दिन भगवान को देखते रहते हैं, और जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते और भगवान को देख नहीं पाते वो क्या कहते हैं, वे प्रश्न उठाते हैं कि भगवान है, यदि भगवान होते तो हमें दिखते ना, हैं, खाते पीते सोते। तब भारत के आचार्यों ने कहा, क्या कहा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, अरे कभी सबरी की तरह प्रेम से खिला करके देखो, भगवान खाते हैं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कभी यशोदा की तरह लोरी सुनाकर भगवान को सुला करके देखो, भगवान सोएंगे। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह प्रेम से भगवान को पकड़ कर नचा करके तो देखो, उनसे प्रेम करके तो देखो। भगवान सब कुछ करते हैं भक्तों, बस उनसे वो कराने के लिए उनसे प्रेम करना होगा। कुछ लोग सोचते बस भगवान ऐसे ही मिल जाए। कई बार संसार के कुछ अबुध मूर्ख लोग कहते हैं कि यदि भगवान है तो दिखाओ, ऐसे कैसे देखेंगे यार भगवान को, हैं? हम कहते हैं देखो भगवान को देखना है तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, भक्ति करनी होगी। बोले भगवान हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते। तो भाई तुम्हें हवा भी नहीं दिखाई दे रही है, तुम हवा मत लो, हवा मत मानो है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जीव जंतु हैं भक्तों, जो हमें इस खुली आँखों से नहीं दिखती है, माइक्रोस्कोप से ही दिखती है। तो क्या वो नहीं है, तुम्हारे कह देने से नहीं है, है? इस संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ हैं जो होते हुए भी हमें नहीं दिखती है। तो क्या संसार में वो सारी वस्तुएँ मौजूद नहीं है, विद्यमान नहीं है? है भक्तों। जब इस संसार की भौतिक वस्तु को दिखने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है तो अचिंत्य आध्यात्मिक तत्व में रहने वाले भगवान कैसे दिखाई देंगे, है? उस भगवान को देखने के लिए कुछ करना नहीं होगा, जरूर करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना होगा, कुछ मेहनत करनी होगी। हमारे गुरु महाराज लाल गोविंद प्रभु जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार वो ऑफिस से आ रहे थे तो उनके हाथ में ये माला थी। ट्रेन में चढ़े थे, मुंबई की लोकल में बहुत भीड़ होती है, तो सामने के सीट पे बैठे थे और सामने के सीट पे कोई दूसरा आदमी बैठा था। बोलते क्या ये हरे कृष्ण कर रहे हो तुम हमेशा, जब भी मैं आता जाता हूँ हमेशा देखते हो ऐसे ऐसे हरे कृष्ण करते हो, क्या करते हो ऐसे, भगवान है कहीं पे दिखाई देते हैं? तो बोले नहीं यार, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ, प्रेम करता हूँ उससे, इसलिए उनका नाम जपता हूँ। क्या भगवान होते हैं क्या कहीं पे, बताओ। तो प्रभु जी ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया, यार ये ट्रेन कैसे चल रही है? बोले ट्रेन ड्राइवर चला रहा है। बोले मैं नहीं मानता हूँ ट्रेन ड्राइवर चला रहा है। बोले कैसे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए ट्रेन को ड्राइवर नहीं, मैं नहीं मानता कि ड्राइवर चला रहा है ट्रेन को, मुझे दिखाई दे तब ना मानूँ मैं, ट्रेन का ड्राइवर तो आगे की बोगी में है और ये पीछे की बोगी में बैठे हुए हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि ट्रेन में ड्राइवर है। बोले चलो उतर के चलो दिखाते हैं तुमको है कि नहीं। प्रभु जी को उतारने लगे तब उसको रोके, बोल भाई रुको, जब तुम्हारे एक थर्ड क्लास के ड्राइवर को देखने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इस डिब्बे से उतरनी पड़ेगी, आगे जाके इंजन में उसे देखना पड़ेगा, तो जो इस संसार को जो हमारे जीवन को चलाते हैं उस ड्राइवर को देखने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी होगी? जरूर करनी होगी भक्तों। उस भगवान को देखने के लिए जो हमारे जिंदगी को चला रहे हैं, जो संसार को चला रहे हैं, उसे देखने के लिए उससे प्रेम करना होगा, उनके नाम का जाप करना होगा। भागवत के अष्टम स्कंद में छठे अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं, यथा यज्ञि मेधिष्य अमृतश गोषु भूवि अन्नम अबुद्ध मने वृत्तिमम योगे मनुष्य अध्यंतिति हत्व गुणेशु बुद्धिया कव्य वदंती। जैसे लकड़ी में अग्नि है, अग्नि को लकड़े में बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, अग्नि में ऑलरेडी लकड़ी में ऑलरेडी अग्नि है। जैसे गाय में दूध है, दूध गाय में बाहर से डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस दूध को निकालने के लिए क्या थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जैसे भूमि में अन्न है, लेकिन उस अन्न को निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। लकड़ी में अग्नि है, गाय में दूध है, भूमि में अन्न है, लेकिन उसे निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। वैसे ही संसार में भगवान है, उनको देखने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है।
यदि हम वो मेहनत कर लेंगे तो भगवान दिखेंगे। मेहनत क्या? डेली 16 माला का जाप करना, 4:30 बजे उठ के भगवान का मंगला आरती करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए खाना बनाना, और क्या। ये तो काम हम अपने लिए भी कहते हैं, उठना ही है सवेरे, खाना बनाना ही है, बस उस खाने को भगवान को ऑफर कर देना है, भगवान को प्रसाद के रूप में फिर उसे ग्रहण करना है। यदि बस ये थोड़े थोड़े मेहनत करते हैं तो भगवान हमें बिल्कुल मिलेंगे। लोग एक इंजीनियर बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं तब उसे इंजीनियर बन पाता है, जो कि मात्र 60 साल के लिए भी नहीं है। और भगवान जो हमेशा के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है भक्तों। उस इंजीनियरिंग के लिए थोड़ी कितनी कठोर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए बस थोड़ी सी मेहनत। क्या? तो बस उनका नाम का जाप करो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनसे प्रेम करो, दैट्स इट। मेहनत करना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और सबसे पहला मेहनत है सत्संग में जाकर बैठना, जो आप लोग यहाँ पे कई दिनों से कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं हमारे घर से दूर हो रही है ये सत्संग। थिएटर कितना भी दूर हो, होटल कितना भी दूर हो, खाने के लिए चले जाएंगे, मूवी देखने के लिए चले जाएंगे, लेकिन कथा हो रही है तो दूर है। तो यही सत्संग के लिए सौराष्ट्र के राजा रहुगण सौराष्ट्र को छोड़कर गंगा सागर गए। यही सत्संग को प्राप्त करने के लिए परीक्षित महाराज दिल्ली हस्तिनापुर को छोड़कर हरिद्वार गए। इसी सत्संग के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। और यही सत्संग प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमारे देवघर में घर में हो रही है, तो बहुत दूर है, है? और सिद्धांत के अनुसार से देखा जाए भक्तों, तो जितनी दूर कथा हो, जितना दूर जाया जाए उतना अच्छा है। भारत के संतों ने कहा है कि संत मिलन को चाहिए तजिमान अभिमान, एक एक पग आगे धरी कोटि नाग्य समान। संत मिलन को चाहिए तजिमान सम्मान, ये जो मन का अभिमान है उसको त्याग कर एक दास बनकर जब हम सत्संग में जाते हैं, जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, तो क्या फल मिलता है? कहते हैं अद्भुत अचिंत्य फल मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, और द्वापर युग में जब कोई यज्ञ पूर्ण होता था तो उस राज्य में जो मंदिर होता था उनकी घंटी अपने आप बजने लगती थी। यह सत्य का प्रमाण होता था कि यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर यज्ञ किया लेकिन घंटी नहीं बजी। बड़े परेशान हो गए, कृष्ण के पास गए। प्रभु यज्ञ तो किया, अनेकों साधु संत आए, उन्हें भोजन भी कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन घंटी नहीं बज रही है। भगवान ने कहा देखो युधिष्ठिर, कोई भूखा रह गया होगा। युधिष्ठिर महाराज ढूंढने के लिए निकले, यमुना तट पर जब गए तो देखा कि एक साधु भूखा बैठा था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज आप आओ, हमारे घर में बहुत सुंदर यज्ञ है। बोले मैं नहीं आऊँगा। बोले महाराज आप आओ, नहीं तो आपके कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, आप आइए भोजन करिए। साधु ने कहा मैं नहीं आऊँगा। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत मनाया, लास्ट में कहे प्रभु आखिर आप आओगे क्यों नहीं, और आओगे तो आने का क्या लोगे ये बताओ। साधु बोल पड़ा कि यदि मुझे 100 यज्ञ का फल आप मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा जीवन में पहला यज्ञ करने जा रहा हूँ और भी वो भी आपकी कृपा से अधूरी है, 100 यज्ञ का फल कहाँ से दूँ आपको। बोले मैं नहीं आऊँगा। निराश होकर युधिष्ठिर महाराज वापस लौट गए, बड़े चिंतित थे। महारानी द्रौपदी आई कि महाराज कोई कष्ट है, बड़ी चिंता में दिख रहे हो। बोले हाँ वो देखो ना, वो साधु को बुलाने के लिए गया था, वो आ नहीं रहा है। बोले महाराज मैं आप यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊँ। बोले मेरे से नहीं माना, तुमसे कैसे मानेगा। तो इस जगत में कोई जब कोई काम पुरुष नहीं कर पाता है तो काम बड़ी सुंदर बड़ी सरलता से हमारी माताएं कर देती है। तो द्रौपदी गई साधु के पास, महाराज आप हमारे घर पे चलो, आइए वहाँ पर बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, बहुत सुंदर भंडारा है, आप आइए भोजन कीजिए। साधु ने कहा मैंने तेरे पति को पहले ही कहा था मुझे 100 यज्ञ का फल दोगे तो आऊँगा। द्रौपदी ने कहा महाराज मैं आपको 100 यज्ञ का फल देती हूँ, आप चलो मेरे साथ। साधु ने कहा जीवन में पहला यज्ञ कर रहे हो है? और वो भी अधूरा है, और कहते हो 100 यज्ञ का फल देगी, तू कहाँ से मुझे 100 यज्ञ का फल देगी। तब द्रौपदी ने कहा महाराज
लगता है आप शास्त्र ठीक से पढ़ते नहीं हैं। याद करो शास्त्र का वो वचन, संत मिलन को चाहिए तजिमान अभिमान, एक एक पग आगे धरी कोटि ना यज्ञ समान। हमारे यहाँ अनेकों साधु संत आए हैं, साधु संतों का समाज एकत्रित हुआ है, सत्संग हो चुका है। आप वहाँ पर चलिए महाराज, शास्त्र में लिखा गया है कि सत्संग के लिए जाते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उस एक एक कदम में करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। महाराज आप स्वयज्ञ का फल रख लेना और मुझे बाद बाकी दे देना, आप मेरे साथ चलो। अभी साधु तुरंत खड़ा हुआ, चलने लगा, भोजन किया, घंटी बज गई, लेकिन हमारे दिमाग की घंटी नहीं बजेगी। अभी सिद्धांत के अनुसार से जो जितना दूर से आता है उसे उतना अधिक फल मिलता है, इस शास्त्र का सिद्धांत है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आज से सत्संग में जाने के लिए आसक्त नहीं कीजिएगा कि दूर है कैसे जाएं, खाना बनाना है, है? तो भगवान जैसे नंद बाबा के घर प्रकट हुए, हमारे घर पर भी हो सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। भगवान नंद बाबा के घर पर प्रकट हुए हैं। नंद बाबा ने क्या किया ये मैंने पिछले सत्र में कह के सुनाया था। बहुत सुंदर भगवान गोकुल में हैं और यह बात तो हर जगह फैल चुकी थी आकाशवाणी के द्वारा कि वसुदेव जी की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी और वसुदेव के यहाँ पुत्र का नहीं कन्या का जन्म हुआ है, इसलिए कंस कुछ ना कुछ अत्याचार अवश्य करेगा। नंद बाबा ने सोचा इस मथुरा मंडल का राजा कंस है और कंस के अनुचर गोकुल में कर वसूल करने के लिए आते हैं, तो इससे पहले कि गोकुल कंस के अनुचर गोकुल में कर वसूल करने के लिए आए उससे पहले ही हमें वहाँ जाकर कर दे देना चाहिए ताकि वे गोकुल ना आ जाए, क्योंकि कंस के अनुचर यदि आ गए तो पता चलेगा यहाँ बालक का जन्म हुआ है और कंस तो पापमति है, दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, वो इस बच्चे पर जरूर प्रहार करेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम् करम दातु कुरु ध्वः, करम दातु कुरु ध्वः। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, गोपों की रक्षा करने के लिए, गोकुल की रक्षा करने के लिए नंद बाबा मथुराम गतः। कहाँ गए? मथुरा गए। देखिए सुखदेव गोस्वामी भी मथुरा नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा कहते मथुरा आए। सुखदेव गोस्वामी अपने आप को गोकुल में बिठा कर रखे और कहते हैं नंद बाबा मथुरा चले गए। सुखदेव गोस्वामी भी अपने आप को वृंदावन में गोकुल में ही रखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब से कृष्ण का जन्म हो चुका है भक्तों सुखदेव जी गोस्वामी महाराज ने कहा जिस दिन से गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ है, जिस दिन से गोकुल में कृष्ण आए हैं, उस दिन से ये अनंत लक्ष्मी जो है अपने समस्त ऐश्वर्य को लेकर प्रकट हो गई है और उस दिन से गोकुल का चित्र ही बदल गया है। अब गोकुल गोकुल नहीं रहा, एक आनंद का गांव बन गया है। तो उस गोकुल की रक्षा करने के लिए नंद बाबा मथुराम गतः। क्यों मथुरा गए? नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम, वार्षिक कर देना होता था कंस को, एनुअल टैक्स। तो वार्षिक कर अपने गांव के अनेक गोपों को बैलगाड़ी में दूध दही माखन के साथ मटके भर भर कर नंद बाबा ने लाद दिया, गोकुल से मथुरा गए सीधे कंस के दरबार में। वो सारा दूध दही माखन कंस को दे दिया और नंद बाबा की इच्छा हुई, मन में इच्छा हुई कि वसुदेव जी से मिला जाए, वसुदेव जी से मिलकर ही मैं वापस जाऊंगा। और वहाँ वसुदेव जी ने सोचा कि यदि नंद बाबा आए हैं तो मुझे बिना मिले जाएंगे नहीं। मित्र थे नंद और वसुदेव, दोनों मित्र थे और कंस के अनुचर वसुदेव जी के आजू बाजू घूम रहे थे। कंस ने अपनी सेना को तैयार करके रखा था कि वसुदेव से कौन कौन मिलने आता है, ज़रा नोट करके रखो, क्योंकि वसुदेव से जो जो मिलने के लिए आएगा उसी के घर पर निश्चित उसका बालक होगा।
तो वसुदेव जी ने सोचा कि यदि मिलने के लिए आएंगे तो कंस के अनुचरों को पता चल जाएगा, तो नंद बाबा मेरे पास आए उससे पहले मैं ही उनके पास चला जाऊं। कहते हैं वसुदेव जी नंद बाबा को मिलने के लिए गए और अकेले गए, अपनी पत्नी को साथ में लेकर नहीं गए। कहते हैं यदि किसी तरह से देवकी ने कह दिया कि देखो हाँ नंद बाबा, आपके घर पर जो लड़का है ना वो आपका नहीं, वो मेरा लाला है। यदि ऐसा किसी तरह देवकी ने कह दिया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियों को श्राप है। हम जानते हैं ना, जब महाभारत की समाप्ति हुई, युधिष्ठिर महाराज पितरों को तर्पण कर रहे थे, सबका तर्पण किया, तो देवी कुंती ने कहा, युधिष्ठिर को बुलाया, बेटा युधिष्ठिर तू कर्ण के लिए भी तर्पण करो। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कर्ण के लिए क्यों, कर्ण हमारा क्यों लगता था? तब देवी कुंती ने भेद खोला कि बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर महाराज के शोक का परावार नहीं रहा भक्तों उस समय। बोले माँ यदि पहले बताया होता तो मैं कभी भी युद्ध नहीं करता, मैंने मेरे भाई को ही मार डाला। माँ इतनी बड़ी बात आज तक तेरे पेट में रही कैसे? आज से मैं जाओ श्राप देता हूँ कि किसी भी स्त्री के पेट में बात नहीं टिकेगी। और उस दिन से लेकर आज तक भक्तों वही परंपरा चलते आ रहा है। ये स्त्रियों का दोष नहीं है, युधिष्ठिर महाराज का श्राप है। तो वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने गए, अकेले गए। नंद बाबा जैसे ही सीढ़ी से उतर रहे थे, वसुदेव जी नंद बाबा को साइड में लेकर गए और दोनों के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ। अनेकों श्लोकों में वर्णन करते हैं सुखदेव जी गोस्वामी महाराज। वसुदेव जी ने नंद बाबा को डायरेक्ट नहीं पूछा कि कृष्ण कैसे हैं, आपका बेटा कैसे है। वसुदेव जी इनडायरेक्टली पूछते हैं कि हाँ नंद बाबा बताओ, आपके व्रज में सब कैसा है, सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी 9 लाख गाय कैसी है? आपकी 9 लाख गायें ठीक से घास तो खा रही है ना? ये सारी गैया ठीक से दूध तो देती है ना? क्योंकि गाय को यदि घास मिलेगी तो यदि गाय घास खाएगी तो ठीक से दूध देगी, और यदि गाय दूध देगी तो मेरा बेटा ठीक से दूध पी पाएगा। तो दोनों के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ। नंद बाबा ने बात बात में कह दिया कि वसुदेव जी आज मेरी इच्छा हो रही है कि आज मैं रात को यहीं रुक जाऊं, कल सुबह गोकुल चला जाऊंगा। तब वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा आप ऐसा मत करो, आप अभी इस वक्त गोकुल जाने के लिए निकल पड़ो। हरे कृष्णा कृष्णा वसुदेव जी को नंद ने कहा, नंद बाबा ने कहा कि आज मेरा मन हो रहा है कि मैं आज यहीं रुक जाऊं और कल गोकुल के लिए निकल जाऊं। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा आप ऐसा मत करो, आप आज अभी और इसी वक्त निकल जाओ गोकुल के लिए, क्योंकि हो ना हो मेरे मन में आशंका हो रही है कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहे हैं। मेरा हृदय कांप रहा है, कपकपी हो रही है मेरे हृदय के अंदर में कि गोकुल में कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कुछ आशंका मुझे लग रही है। आप अभी इसी समय मथुरा को छोड़कर गोकुल जाओ। इतना सुनते ही नंद बाबा ने बैलगाड़ी में बैल को जोड़ दिए और सबको आदेश दिया और मथुरा से गोकुल जाने के लिए निकल पड़े। सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 6ठे अध्याय के प्रारंभ में इस प्रसंग को यहाँ से शुरू करते हैं कि नंदपति वच सोरे न मृषाइति विचिन्तयम् हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम संकित आगम संकित। नंद बाबा मथुरा से निकल पड़े, बैलगाड़ी में बैठे हैं, अंधेरी रात है, थोड़ी देर नींद आती है, अचानक नींद खुल जाती है। नंद बाबा के मन में अनेकों प्रकार की भावनाएं उठ रहे हैं, अनेकों प्रकार की चिंता सता रही है कि गोकुल में क्या हो रहा होगा। वसुदेव वचन मृषा इति, वसुदेव जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकती है,
क्योंकि देवताओं की आकाशवाणी हुई थी। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था ना, तब देवताओं ने आकाशवाणी किया था कि ये बालक कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए वसुदेव जी ने कहा कि उत्पात हो रहा है, इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। नंद बाबा के मन में आशंका हुई। जीव गोस्वामी कहते हैं कि मात्र आशंका हुई है, यदि कन्फर्म हो गया होता या सुन लिए होते कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा हो तो नंद बाबा के प्राण कब का छूट गया होता। ये तो आशंका है, इसलिए प्राण टिके हुए हैं कि हुआ होगा कि नहीं है? क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो नंद बाबा के मन में बड़ी चिंता हुई। ये चिंता नंद बाबा को ही नहीं भक्तों, सारे संसार के जीव को है। सभी जीवों के मन में चिंता है। संसार दावा नले, दिया निसी हिया जले। इस संसार रूपी दावा नल में ये चिंता सबको जला रही है। चिंता और चिता में भक्तों मात्र एक ही शब्द का अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। चिता और चिता में मात्र अनुष्कार मात्र का भेद है, लेकिन दोनों का काम क्या है? एक ही काम है। दोनों का काम है जलाना। काम में क्या अंतर है? तो चिता मरने के बाद मरे हुए शव को जलाती है, और चिंता जीते जी आदमी को जलाती है। रात दिन जलाते रहती है, तड़पा तड़पा कर मारती है। और इस चिंता का से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है भक्तों, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जैसे जंगल में जब दावा अग्नि लगती है, चारों ओर से वो अग्नि लगती है, और उस जंगल में जितने पेड़ पौधे होते हैं, जितने पशु पक्षी होते हैं, सब तड़प तड़प कर मरते हैं। उन्हें बचने का कोई उपाय ही नहीं होता है। किधर भागेंगे? चारों ओर तो आग लगी हुई है, जंगल के चारों ओर दावा अग्नि लगी हुई है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी चारों ओर से दावा अग्नि लगी हुई है। शोक लगा हुआ है, चिंता लगा हुआ है। और जिस प्रकार से जंगल में आग लगती है, आप कितना भी पानी डाल लो उसमें, हेलीकॉप्टर से, ट्रैक्टर से, वो बुझने वाली नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक बारिश नहीं होती है, वो दावा अग्नि नहीं बुझती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी दावा अग्नि चल रही है, और ये अग्नि तब तक नहीं बुझेगा जब तक हम कृष्ण को अपने हृदय में बसाएंगे नहीं, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। वर्तमान में जितने भी रोग हो रहे हैं भक्तों, सब चिंता के रोग हैं। डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, सब क्या है? चिंता का रोग है। तो दिन प्रतिदिन संसार के मनुष्यों की चिंता बढ़ रही है। वहाँ नंद बाबा की भी चिंता बढ़ी, और नंद बाबा की चिंता जिस प्रकार से बढ़ी, यहाँ हमारी चिंता भी दिन प्रतिदिन उसी प्रकार से बढ़ रही है। लेकिन जब नंद बाबा की चिंता बढ़ी तो नंद बाबा ने क्या किया, वह चीज़ हमें भी करना चाहिए। ये शास्त्र, ये वेद क्यों है? मैं बार बार कहता हूँ, ये शास्त्र, ये वेद जो है हमारे लाइफ का यूजर मैनुअल है कि हमें कैसे अपने लाइफ को जीना चाहिए। जैसे आप कोई मोटरसाइकिल लेते हो या पंखा लेते हो, तो आपको उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है कि कैसे आपको उस पंखे को यूज करना है, कैसे उस मोटरसाइकिल को यूज करना है। और यदि आप उसे बिना पढ़े हुए यूज करने लगते हो, उस टीवी को, पंखा को, तो वो पंखा बिगड़ जाती है, टेलीविज़न बिगड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे लाइफ का क्या है यूजर मैनुअल? भगवद गीता, भागवतम, रामायण, ये क्या है? हमारे जीवन की यूजर मैनुअल है। हम क्या करते हैं, इसे बिना पढ़े हुए अपना ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। बस कभी इधर भटकते रहते हैं, कभी दारू पी लिया, कभी मांस खा लिया, कभी जुआ खेल लिया। जब तक हम अपने जीवन के यूजर मैनुअल को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारी ज़िंदगी बिगड़ी हुई रहेगी भक्तों। शास्त्र वेद इसीलिए है कि हम उसको पढ़ें, और उसमें जब उनके साथ जो घटना हुई हमारे साथ हुई, तो हम वैसा उनका अनुसरण कर सके, उनका अनुकरण कर सके। नंद बाबा के जीवन में जब चिंता बढ़ी, तब नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा के जीवन में जब चिंता बढ़ी तो नंद बाबा ने हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिता। भगवान हरि के शरण में गए, हरि का शरण ग्रहण किया, अर्थात मन ही मन हरि को प्रार्थना की है। संसार के मनुष्य के पास भक्तों और है क्या? इंसान को देने के लिए और है कि भगवान को देने के लिए इंसान के पास क्या है? प्रार्थना। बस प्रार्थना ही है जिसे हम भगवान को कर सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं भक्तों। तो
नंद महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना किया, बहुत सुंदर स्तुति की, बहुत सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। आइए थोड़ी देर के लिए हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हो राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। सब लोग गाइए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हो राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे बो मेरे यंगना में आओ नंदलाल, आज 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 में
आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ 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 नंदलाल, पे अंगुलिया बन पे दंदुलिया, मन पे अंगुलिया तन पे दंदुलिया, दूध की लंगुरिया बहाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, दूध की तंदुलिया बहाओ, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, 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 जहाँ बिराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया सब लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया जहाँ बिराजे राधा रानी, जहाँ बिराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, हरि वो कन्हैया ले चल परली पार, ये दासी तेरे द्वार पे आई, ये दासी तेरे द्वार सारे सहारे छोड़ के आई, ये दासी तेरे द्वार पे आई, ये सारे सहारे छोड़ के आई, बहुत हुई अब मांजा मोहन, बहुत हुई अब मांजा चौहन, थाम ले मेरी हाथ कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल कन्हैया हरी वो, कन्हैया ले चल पर
ही पार। जहाँ बिराजे राधा रानी, जहाँ बिराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चले परली पार, कन्हैया ले चले परली पार। ये जीवन है तुमको अर्पण, ए जीवन है तुमको अर्पण, ए जीवन है तुमको अर्पण। बुद्धि सहित मन तुमको अर्पण, बुद्धि सहित मन तुमको अर्पण, प्राण सहित तन तुमको अर्पण, प्राण सहित तन तुमको अर्पण, प्राण सहित तन तुमको अर्पण। मेरे मालिक मेरे मौला, मेरे मालिक मेरे मल्ला, ना छोड़ मजरी दार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ बिराजे राधा रानी, जहाँ बिराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया कन्हैया ले चल परली पार। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा जय श्री राधा दामोदर। राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद ओ प्रभुपाद ओ प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 ओ नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।